राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ पुराने दुपट्टे का। अक्सर हमारे सूट जो होते हैं फट जाते हैं, लेकिन उसका दुपट्टा ऐसे पड़े रहते हैं। तो इसका सूट जो है 2 साल पहले ही फट गया है, और ये दुपट्टा जो कि अब मेरे किसी यूज़ का नहीं है। तो वैसे भी गर्मी स्टार्ट हो गई, तो मैंने सोची क्यों ना इसके सूट बनाया जाता है, काफ्तान सूट, जो कि आप 2 मिनट के अंदर बना सकती हैं। बहुत ही आसान है, कपड़े की चौड़ाई भी अच्छी है और लंबाई भी अच्छी है। तो पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर ली हूँ कुछ इस तरह, ओपन साइड इस तरह रख के, और अब मैं इसको जिधर से बंद है उधर से मैं इसका गला ले लूँगी। गला आप अपने हिसाब से जैसा लेना चाहे वैसा ले सकती है। मैं बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल छोटा गला ले रही हूँ, वो भी 5, और राउंड शेप में मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास हैवी दुपट्टा है उसका शादी में भी आप पहन के यूज कर सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आता है। मेरे को तो कफ्तान पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास अभी भी मेरे अलमारी में 6-7 कफ्तान पड़े हुए हैं। मतलब मुझे जॉर्जेट वाले कपड़े दिखते नहीं है कि मैं ये कफ्तान ही सिल लेती हूँ नॉर्मल सूट को अवॉइड करके। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ये देख सकते हैं हमारा आगे पीछे का गला कट गया। आप जैसा मर्जी वैसा गला बना सकती हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पट्टी वाले गले वाली पट्टी जो देते हैं ना, उससे हम इसका गला बना लेंगे। आप बुकरम से भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास दुपट्टा मतलब थोड़ा अच्छी क्वालिटी का। ये तो मैं घर पर पहनने के लिए गर्मी वाले बना रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने गला बिल्कुल अच्छे से पट्टी वाले गला व्हाइट कलर के कपड़े से बना ली हूँ। अब हम इस पर लगाएंगे, इसे ओपन करके इस तरह रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए। अब हम इस पर लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो फिटिंग का निशान लगाना मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप क्या करिए, बीचों बीच स्केल खींच लीजिए, स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लीजिए बिल्कुल बीचों बीच कुर्ती के। और अब आपको लेना है साइज लगाना है, तो नॉर्मल जितनी भी आपकी साइज है, जैसे मेरा चेस्ट है 32, तो मैं 32 को 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 8। तो इस तरह ओपन करने के बाद तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9, क्योंकि जो कफ्तान सूट है थोड़े हल्के रहते हैं। तो सेंटर से मैंने 4.5 इधर की साइड, 4.5 इधर की साइड इस तरह निशान लगा लेना है कुछ इस तरह, गले के पास से इस तरह लगा लेना है। आपकी साइज कुछ भी हो आपको ऐसे ही लगाना है। फिर 7-7 का गैप, जैसे हम नॉर्मली सूट में देते ना चेस्ट से फिर कमर फिर हिप, तो इस तरह हमें नॉर्मल चेस्ट पर लगाना है। कमर है मेरी 28, तो फिर 28 को मैं करूँगी 7, तो यहाँ पर मैं 8 ले ले रही हूँ, तो 16 आ रहा है मेरा दूसरे डिवाइड करने पे, तो 4 मैंने इधर ले ली, इधर 8 मैंने इधर ले ली। इस तरह हमें निशान लगा रहे हैं नॉर्मली जैसे हम सूट पे लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको सूट आता हो तो ये सब भी आपको तरीका भी पता होगा, इस तरह से निशान लगा लेना है। और जिस तरह नॉर्मल हम सूट पे निशान लगाते हैं सेम वैसे निशान भी लगा लेना है। और ये देख सकते हैं हमारा कफ्तान बन के रेडी हो चुका है, बिल्कुल सिंपल सा। घर पर पहननी है, कहीं भी पहनिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, राम राम जी आप सभी को।